हमें तो लग नहीं रहा को हम पूरे देश से, हम तो आज महाराष्ट्र में तो कोई कह नहीं रहा कि मोदी गवर्नमेंट ऑफिस आने वाली है। और मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, वहां तो उपचुनाव भी भाजपा हार गई है, तो मेरे हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट तो जाने वाली है। अब तो वो लोग यहां से जो लूटना चाहते हैं उसकी तैयारी कर। महाराष्ट्र क्रांति द्वारा बहुजन मूवमेंट के जितने महत्वपूर्ण धरोहर है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र खुद में क्रांति का गढ़ है। यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के पुरुषों में जो ताकत है क्रांति के प्रति, वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मूवमेंट बहुत मजबूत होनी चाहिए। कुछ खामियां रही है, उनको जान के उनको ठीक करने का प्रयास हम लोग करें। अभी मैं आपके सामने जो बात बताने, भिड़ेवाड़ा एक स्कूल है जो पहला स्कूल माँ सावित्रीबाई फुले ने और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बनाया था, वो जर्जर हालात में है। यहाँ के लोगों की और भीम आर्मी की तरफ से मैं डिमांड करता हूँ कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि वो पहला स्कूल है जिसमें हम कमजोर वर्ग के लोगों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार है। कमेटी बता दें कि प्रोग्राम स्थल पे जिस तरह पहुंचना था उस समय पहुंचेंगे। अब ये यहाँ की टीम लोकल प्रशासन से बात करके डिक्लेयर करेगी क्या करना है। थैंक यू सर। तो अभी हमें तो लग नहीं रहा को हम पूरे देश से, हम तो आज महाराष्ट्र में तो कोई कह नहीं रहा कि मोदी गवर्नमेंट ऑफिस आने वाली है। और मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, वहां तो उपचुनाव भी भाजपा हार गई है, तो मेरे हिसाब से तो मोदी गवर्नमेंट तो जाने वाली है। अब तो वो लोग यहां से जो लूटना चाहते हैं उसकी तैयारी कर। महाराष्ट्र क्रांति द्वारा बहुजन मूवमेंट के जितने महत्वपूर्ण धरोहर है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र खुद में क्रांति का गढ़ है। यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के पुरुषों में जो ताकत है क्रांति के प्रति, वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मूवमेंट बहुत मजबूत होनी चाहिए। कुछ खामियां रही है, उनको जान के उनको ठीक करने का प्रयास हम लोग करें। अभी मैं आपके सामने जो बात बताने, भिड़ेवाड़ा एक स्कूल है जो पहला स्कूल माँ सावित्रीबाई फुले ने और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बनाया था, वो जर्जर हालात में है। यहाँ के लोगों की और भीम आर्मी की तरफ से मैं डिमांड करता हूँ कि उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि वो पहला स्कूल है जिसमें हम कमजोर वर्ग के लोगों को, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार है। कमेटी बता दें कि प्रोग्राम स्थल पे जिस तरह पहुंचना था उस समय पहुंचेंगे। अब ये यहाँ की टीम लोकल प्रशासन से बात करके डिक्लेयर करेगी क्या करना है। थैंक यू सर।